अच्छा तो आज हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस इस पर इंपॉटेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और आज हम इसको इन अच्छे से करेंगे सबसे पहले इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो वो हमारे पास डेफिनेशन क्या बनेगी तो हमारे पास ये बनेगी कि ऑल द इवेंट्स दैट स्टार्ट फ्राम स्परमेटोगोनिया एंड एट मेचोर फॉर्म्स और स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक है हमने इस परमेटोगोनिया को बदलना है इस परमेटोजो के अंदर और उसके दौरान ये तमाम इवेंट्स होंगे इस परमेटोजनिस हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं केमेटोजेसिस केमेटोजेसिस में इस परमेटोजनिस आ जाता है और वो जेनिस आ जाता है वो जेनेसिसड बनता है इस्पर्मेटो जेनेसिस स्पॉन्स बनते हैं है। तो हम ये इसलिए करें ताकि इसके बाद हम अगला स्टेप कर सकें जो कि होगा फर्टिलाइजेशन अच्छा तो अब हमारे पास परमेटोजनिसने का ये शुरू कब होता है जब इंसान प्य इट बिगिंस एट प्यूबर्टी ठीक है हमारे पास जब प्यूबर्टी इंसान कहते ना तेरह से चौदह साल या पंद्रह से सोलह साल डिफरेंट वेरी करता है तो हमारे पास ये प्यूबर्टी के ऊपर स्टार्ट होता है जब इंसान ना वो हो जाए बालिग हो जाए उसके बाद हमारे पास टेक्स प्लेस इन सेमिनि फेरस टू व्यूल ऑफ द टेस्टीज़ ये सवाल ना एम सी में पूछा जाता है हमारे पास किस पर मेटोजेनिस हमारे न्से पास कहाँ पर होती है तो इट टेक्स प्लेस इन द सेमिनी फेरस टू व्यूज ऑफ द टेस्टीज़ ठीक है ये होगी हमारे पास अब हमने यहाँ इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ना है कि हमारे पास ना किस तरह है हो रही है हमारे पास तो मैंने इसको सारा फ्लो चार्ट की फॉर्म में इस तरह बनाया कि स्टोरी फॉर्म में आपको याद हो जाए तो हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ना है कि बर्थ के टाइम क्या हुआ था इसके अंदर तो हमारे पास ना एट द टाइम ऑफ द बर्थ जर्म सेल्स इन मेल इन्फेंट रिकोगनाइज इन द सेक्स कॉर्ड ऑफ द टेस्टिस एज लार्ज पेल सेल्स सराउंडेड बाय सपोर्टिंग सेल्स जब हमारे पास बर्थ हुई ना तो उसके वक्त ना हमारे पास जो ना जर्म सेल्स थे ना मेरे के अंदर वो हमारे पास ना सेक्स कॉर्ड्स के अंदर टेस्टिस के अंदर कुछ सेक्स कॉर्ड्स थी उनके अंदर होते थे और वो हमारे पास यूं ना हमारे पास लार्ज पेल सेल्स की फॉर्म में होते थे ठीक है लार्ज पेल सेल्स और उनके गिर्द हमारे पास ना सपोर्टिंग सेल्स होते थे ठीक है उन्होंने ये सारी बात की है तो हमारे पास एडवर जर्म इन मेल इन्फेंट जो होते हैं हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड इन सेक्स कोड ऑफ द टेस्टीज एज लार्ज सेल्स सराउंडेड बाय सपोर्टिंग सेल्स उसके बाद ये जो सपोर्टिंग सेल्स हैं ना ये हमारे पास ना बिकम सस्टेंटिकुलर सेल्स और सर्टिलाई सेल्स ठीक है हमारे पास ना सस्टेंटिक सर्टोलाइ सेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट सेल्स हैं और ये अलग से भी पूछा जाता है सर्टोलाइट सेल्स होते क्या तो दीज आर सपोर्टिंग सेल्स ड्राइड फ्रॉम द स सरफेस एफ ऑफ द टेस्टीज एंड प्रोवाइड और इसके फिर आगे फंक्शन आ जाएंगे तो वो भी मैं बताऊँगा तो हमारे पास ये सर्टोलाइट सेल्स जो है ये हमारे पास और इनकी शेप किस तरह तो ये पैरामिड शेपड होते हैं ठीक है इनका दूसरा नाम क्या है सस्टेंटिकुलर सेल्स इनको हम कह देते हैं तो हमारे पास ना ये जो साइड पर हमने सेल्स बनाए हैं ना ये पैरामिड शेपड एक्चुअली होंगे और उसके बाद फिर हमारे पास ये ना सपोर्टिंग सेल्स होंगे ये हमारे पास सपोर्ट करेंगे न्यूट्रिशन देंगे इसको हमारे पास इसको प्रोटेक्ट करेंगे ये सारे इसके फंक्शंस हो जाते हैं तो हमारे पास मैंने यही कहा है कि हमारे पास सेक्स कॉर्ड्स के अंदर ये सारे ना लार्ज पेल सेल्स थे उसके गिर हमारे पास ये सपोर्टिंग सेल्स थे और सपोर्टिंग सेल्स हमारे पास किससे ना ड्राइव हुए हमारे पास सरफेस एपीथीलियम ऑफ टेस्ट यानी टेस्टीज के हमारे पास जो सर्फेस पैपीथीलियम लेयर है ना उससे हमारे पास ये स्क्रीट हो रहे हैं और उसके बाद है सेम एज फॉलिकुलर सेल्स जो फॉलिकुलर सेल्स हम आगे पढ़ेंगे वो जेनेसिस के अंदर तो उधर भी हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स भी सर्फेस एपिथीलियम ऑफ ओवरीज से ही निकलेंगे ठीक हो गया अब हमारे पास बर्थ के टाइम जो था बस बर्थ के टाइम इतना ही था अब जैसे जैसे इंसान क्या कहते हैं ना प्योबर्टी की तरफ जा रहा होता है ना तो शॉर्टली बिफोर प्यूबर्टी क्या होता है हमारे पास शॉर्टली बिफोर प्यूबर्टी जो सेक्स कॉर्ड्स थी ना वो हमारे पास ना उनके दरम्यान में ना एक ना ल्यूमेन आने लग जाता है ठीक है सेक्स कॉर्ड्स तो पहले हमारे पास यूँ थी ना यानी यू ना कॉर्ड्स की तौर पर थी अब हमारे पास ना उनके अंदर ना एक ल्यूमेन आने लग गया तो अब वो ना यूँ होने लग गए अब उनके दरम्यान में ना यहाँ पे एक ना ल्यूमेन आ गया ये है जी हमारे पास ल्यूमेन तो अब उन्होंने कहा ल्यूमेन हो गया और अब इन्होंने अपना सेक्स कार्ड से नाम बदल के कर लिया सेमनी फेरस अब ये हो गए सेमनी फेरस टू अब हमारे पास ना क्या होगा अब यहाँ से हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है कि हमारे पास हमने पढ़ा था कि ना सबसे पहला टॉपिक मैंने बैठा मैं है प्रेमोडियल जम सेल्स तो उसी से हमारे पास हमने देखा था कि ना गेम्स निकलते होते हैं जनरेट होते होते हैं तो जो प्रेमोडियल जम सेल्स हैं ना वो हमारे पास बनाते हैं स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स अभी जो हमारे पास स्पर्मेटोगल स्टेम सेल्स हैं ना ये हमारा इससे हमारे पास ना सेल्स इमर्ज करते हैं ठीक है थीके? और उसके बाद फिर हमारे पास बनाते हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए स्पर्मेटोगोिया सबसे पहले हमारे पास स्टेम सेल्स हैं उससे हमारे पास बनता है टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया अब इस क्या कहते हैं ना हमारे पास जैसे ही प्रोडक्शन हो ना स्टार्ट हो जाना तो इसका मतलब है कि हमारे पास ना स्पर्मेटोजेनेसिस ना स्टार्ट हो गया तो प्रोडक्शन मार्क्स द इनिशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस सबसे पहले स्टेम सेल था जिससे हमारे पास ना बन गया टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया अब ये टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया जो है ना ये हमारे पास माइटोटिक डिवींस में जाते हैं और उसके बाद फॉर्म एडिशनल टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया ही और टाइप ए सेल्स ही और बनाते हैं इसके अलावा हमारे पास एंड में ना ये जाके टाइप बी सेल्स भी बनाते हैं ठीक है तो हमारे पास इसने कौन कौन से ये टाइप ए भी बनाते हैं टाइप ए जो बनाते हैं तो उसको हम कह देते हैं कि ये इसके क्लोन सेल्स हैं और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया भी बना देते हैं तो अब हमारे पास ना ये टाइप ए वेब से हमारे पास टाइप ए भी बन गए काफ़ी सारे और उसके बाद टाइप बी जो अब टाइप बी बन गए हैं ना तो लास्ट सेल डिवीजन जो होती है ना वो प्रोड्यूस करती है टाइप बी परमेटोगिया और उसके बाद फिर हमारे पास ये जो टाइप बी स्परमेटोगिया है ना ये डिवाइड करके हमारे पास बना देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटो ठीक हो गया तो हम हाँ, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल फिर टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया फिर टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया और अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अभी हम इसको डाइमे डायग्रामेटिकली भी देखेंगे लेकिन पहले हम इसको थ्योरेटिकली देख लें उसके बाद हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो हमारे पास अंडर को अपना प्रोलॉन्ग्ड प्रोफेज इसके बाद हमारे पास ना अब इसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने जाना है कि इसमें हमारे पास इसने जितना बाग्य वो करना है ना मियोसिस करनी है तो क्योंकि माइटोसिस तो होगी अब मियोसिस करनी है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस वन वो भी जहाँ पर मियोसिस वन तो उसके अंदर प्रोफेज जो होगा वो प्रोलॉन्ग्ड होगा और ये एम सी यू में बात आती है कि ट्वेंटी टू डेज़ का प्रोलॉन्ग्ड प्रोफेज होता है प्राइमरी स्पर्मेटो का उसके बाद ट्वेंटी टू डेज का हमारे पास प्रोलॉन्ग हमारे पास ये प्रोफेज हो जाएगा फॉलोड बाय रैपिड कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स उसके बाद हमारे पास प्रोफेज लंबा सा हो जाता है उसके बाद फिर रैपिड कंप्लीशन हो जाती है मियोसिस वन की और उसके बाद फिर हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं ठीक हो गया उसके बाद हमारे पास क्या होता है यहाँ तक हमारे पास थे टू एन यहाँ पे अब आ गया हमारे पास एन अब ये एन हो गए हैं हैप्लाइड हो गए यहाँ डिप्लॉइड थे यहाँ पे अब सेकेंडरी जो है वो क्योंकि मियोसिस वन से गुजर गए अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ना मियोसिस टू हो जाती है तो मियोसिस टू के अंदर भी हमारे पास ना अब ना डायरेक्टली हमारे पास जो बनते हैं वो बनते हैं हेप्लॉड्स है, पर मेट्रिक्स ये भी हमारे पास ना एन ही हो गए अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है अब हमारे पास हेप्लॉड्स पर मेट्रिक्स तो बन जाते हैं ना नैट्रिक्स के बाद ना स्पर जो हैं वो हमारे पास स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है और उनको स्पर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस जो कि एक अलग से इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है जो हम आगे करेंगे ठीक है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है तो हमारे पास ना स्प स्पर्म, जो स्पर्मेटेड हैं वो हमारे पास स्पर्म्स में किस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू और ये हमारे पास सारा जो हमने पढ़ा ना ये सारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस था ठीक हो गया अब पेपर के अंदर आएगा ना तो आपने ये सारा यहाँ से यहाँ तक लिखना ही लिखना है उसके बाद आपने ना डायग्राम भी बनानी है इसकी स्पर्मेटोजेनेसिस की सबसे पहले क्या होता है हमारे पास सबसे ये बुना लैंगमैन में डायग्राम बनी हुई है सबसे पहले हमारे पास टाइप ए डार्क स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है उसके बाद फिर उससे हमारे पास डिवीजन हो रही है तो हमारे पास टाइप ए पेल स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है फिर उससे हमारे पास काफ़ी सारे टाइप ए पेल स्पर्मेटोगोनिया बन रहे हैं एंड में हमारे पास उससे टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बन रहे हैं ठीक हो गया तो अगर आप कहें तो ना टा, टा, टाइप ए डार्क को हम इस तरह डार्क शेड कर लेते हैं और उसके बाद बाकी जो होंगे हमारे पास यूँ टाइप ए पेल वाले दो हो जाएंगे फिर हमारे पास टाइप बीस परमेटोगिया इस तरह हो जाएंगे उसके बाद टाइप बीस परमेटोगिया जो है हमने बताया था वो हमारे पास जाते हैं ना माइटोसिस करते हैं और उससे हमारे पास बन जाते हैं प्राइमरीज परमेटोसाइट्स थार्या। तो ये प्राइमरीज परमेटोसाइट्स बन गए प्राइमरीज परमेटोसाइट्स फिर करते हैं म्योसिस वन तो उससे हमारे पास सेकेंडरी परमेटोसाइट्स बन जाते हैं सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स फिर हमारे पास ना जाके ना आगे फिर मियोसिस टू करते हैं तो उससे हमारे पास बन जाते हैं अर्ली स्पर्मेट्रेड्स बन जाते हैं ये हमारे पास अर्ली स्पर्मेटेड बन गए हैं उसके बाद ये अर्ली स्पर्मेटेड जो है इनसे हमारे पास ये ना साइड से ना कुछ पार्ट निकल जाता है ये कुछ पार्ट जो निकलता है इसको हम रेजिडुअल बॉडीज कहते हैं जो हमारे पास पार्ट ये रेजिडुअल बॉडीज लिखा हुआ है ना ये हमारे पास इनसे ना ये हमारे पास अलग हो जाता है यानी हमारे पास ये लेट्स परमेटेड है इन्होंने अपनी शेप भी बदल ली है ये हमारे पास स्पर्म की तरह का हो गया और उसके बाद ये हमारे पास साथ में इनके ना रेजिडल बॉडीज ये जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म वगैरह था ना वो सारा इसके अंदर चला गया और बाद में ये इससे जब अलग हो गई है तो हमारे पास ये रेजिडुअल बॉडी और नीचे वाला जो रह गया

सक्सेसर सेल जनरे जनरेशन आर जॉइंट बाई साइटोप्लाज्मिक प्लाजिक जो भी मैंने दिखाए वो हमारे साइटो साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस थे उसके बाद उन्होंने कहा प्रोजेनिटाइप ए सेल्स मेंटेन कॉन्टैक्ट थ्रू डिफ्रेंसीशन उन्होंने कहा आपस में ना कॉन्टैक्ट रखते होते हैं आपस में उसकी प्रोजेन ऑफ टाइप ए सेल्स जो हैं स्परमेटो उसके बाद उन्होंने कहा कि स्पर्मेटोगोनिया एंड स्परमेट रिमेन एम्बेडेड इन डीप रिसेस ऑफ सर्टोलाइसेल्स वही जो ऊपर बात की है। हमारे पास सर्टोलाई सेल्स होते हैं सपोर्टिंग सेल्स इनके फंक्शन ये है कि हमारे पास ये करते हैं जम सेल्स को सपोर्ट करते हैं उसके बाद ही हमारे पास जम सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं उसके बाद ही हमारे पास न्यूट्रिशन के अंदर पार्ट लेते हैं और इसके अलावा हमारा सिस रिलीज ऑफ मेच्योर सर्मेटोजोवा और अगर हमें मेच्योर सर को रिलीज़ करवाना है तो उसके अंदर भी हमारे पास मेरे इसके चार फंक्शन ठीक है और ये हमारे पास यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है सेरेटोलाइसल्स तो और वैसे भी पूछते होते हैं वाई वा वगैरह में भी उसके बाद हमारे पास आते हैं हार्मोनल रेगुलेशन तो हमारे पास जो हार्मोनल रेगुलेशन इसकी क्या होगी हमारे पास तो हार्मोनल रेगुलेशन है हम हमने यानी स्टेप वाइज तो सारे देख लिया अब इसमें हार्मोन्स का क्या रोल है तो हमारे पास रे दीज आर रेगुलेटेड बाय एलएच प्रोडक्शन इन पिच्यूट्री ग्लैंड पिच्यूट्री ग्लैंड के अंदर हमारे पास ना एल प्रोड्यूस होता है ठीक है वो एल एच प्रोड्यूस है ना वो हमारे पास इसको करते हैं किस तरह एल एच बाइंड टू रिसेप्टर्स ऑन द लेडिंग सेल्स ठीक है हमारे पास जो इंटरस्टिशियल वो हमारे पास होते हैं ना इंटरस्टिशियल सेल्स ही जो होते हैं हमारे पास उन्हीं को ही हम कह देते हैं लेडिक सेल्स ठीक है हमारे पास और इसके अंदर जो लेडिक सेल्स हैं ना वो हमारे पास उनके ऊपर रिसेप्टर्स कुछ होते हैं ये एल एच जाकर उन रिसेप्टर्स पे जुड़ जाता है उसके बाद क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास ये जो लेडिक सेल्स हैं ना हमारे पास वो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करते हैं इससे ठीक है तो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है ये टेस्ट उसके बाद हमारे पास ये जो टेस्टोस्टेरोन है ना ये वैसे सर्टोलाइट सेल्स से हमारे पास ना वो बाइंड हो जाता है जाके और उसके बाद फिर हमारे पास ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास एल जो है उसने जाके लेडिक सेल्स से जुड़ जाना है लेडिक सेल्स जो है उन्होंने टेस्टोसिरोन निकाला है टेस्टोसिरोन जो है उसने हमारे पास सर्टोलाइट सेल्स के साथ जाके जुड़ जाना है जो कि हमारे पास भी प्रोमोट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को दूसरा एक एल था दूसरा फंक्शन दूसरा हार्मोन जो है वो एफ एस एच है एफ एस एच ने क्या करना है उसने डायरेक्टली जाना है और जाके बाइंड कर जाना है सेटोलाइट सेल्स के साथ उसके बाद उसने स्टिमुलेट कर देनी है टेस्टिकुलर फ्लूड प्रोडक्शन क्योंकि हमारे पास इसने ना वो ना सपोर्ट और न्यूट्रिशन के लिए फ्लूड प्रोडक्शन तो करनी है तो स्टिमुलेट टेस्टिकुलर फ्लूड प्रोडक्शन और उससे हमारे पास क्या होता है सिंथिस ऑफ इंट्रा सेलुलर एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन्स और उसके बाद हमारे पास सिंथिस हो जाती है इंट्रा सेलुलर एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन्स की और उसके बाद फिर हमारे पास जो एडिग्नल ग्रांड्स एंड्रोजन बनेंगे ना वो आके इन रिसेप्टर प्रोटीन्स पे आके एक्ट करेंगे तो और उससे हमारे पास फिर प्रोमोट हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस तो ये हमारे पास है जी हार्मोनल कंट्रोल एक एलएच से और एक एफएसएच से नेक्स्ट इन्होंने जो कुछ बातें कही हैं वो उन्होंने क्या कही है हमारे पास कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉरस परमेटोग टू डिवेलप इंटू अ मेचोर्स परमेटोगिया इज अप्रोसी सेवेंटी फोर डेज सेवेंटी फोर डेज चाहिए इसको पूरे प्रोसेस को करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली थ्री हंड्रेड मिलियंस पम्स आर प्रोड्यूस डेली डेली हमारे पास थ्री हंड्रेड मिलियस पम्प्स बन रहे होते हैं उसके पास फॉर्मेटोजो जो है इनिशियली स्लाइटली मोटाइल होते हैं हमारे पास शुरू शुरू में हमारे पास परमेटोजुआ जैसी बनता है ना तो थोड़ा स्लाइटली मोटाइल होते हैं लेकिन हमारे पास जब भी हमारे पास ना एपिडिडीम्स के अंदर चले जाते हैं ना तो हमारे पास फिर ये यानी अब ये हमारे पास कि हमारे पास ये अब यहाँ पे बन गए हैं ना ये ना ट्यूब्यूल्स के अंदर उसके बाद क्या होगा हमारे पास यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि जब हमारे पास पूरी तरह वन फुली फॉर्मड आफ्टर फॉर्मेशन स्पर्मेटोजोआ एंटर द ल्यूमेन ऑफ द दिन ट्यूब्यूल्स ठीक है फिर ये हमारे पास उसके ल्यूमेन के अंदर एंटर हो जाता है जो हमारे पास ल्यूमेन ने पहले दिखाया था और उसके बाद फिर ये मूव करता है पुश टूवर्ड्स एपिडिडिमस हमारे पास एपिडिडिमस जो होता है ना उसकी तरफ ये मूव करता है बाय कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स इन द वॉल ऑफ सेमिनिफेस्ट टू बूज़ उसके क्योंकि उसमें अंदर कॉन्ट्रेट एलिमेंट्स होते हैं और हमें पता है एक्टिन मायोसिन होता है कॉन्ट्रेक्ट एलिमेंट्स तो वो कॉन्ट्रेक्टायल एक्ट एलिमेंट्स के जरिए हमारे पास ये एपिडिडस में चले जाते हैं तो उन्होंने ये कहा कि शुरू शुरू में तो हमारे पास ना ये स्लाइटली मोटाइल थे लेकिन जब ये एपीडिडस में चला जाता है ना तो अपनी फुल मोटिलिटी ये ना कर लेते हैं हम ऑप्टेन तो ये हमारे पास जो ओवरऑल प्रोसेस था ये हमारे पास था परमेटोजेनासिस का